सोल्यूशन का दो मेन टॉपिक जहां से सारा क्वेश्चन डेरिवेशन होगा, चाहे बोर्ड लेवल हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव लेवल, जिसमें पहले हमें जानना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और दूसरा जानना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा क्या जानना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये है, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी है, बहुत सारा ट्रिकी फॉर्मूला भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसको डिस्कस करते हैं, पहले शुरुआत से एक बार चलते हैं। हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट किए थे, पहले मिक्सचर के बारे में बताए थे, तो बताए थे कि पूरे चैप्टर में हमें मिक्सचर के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में कौन मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूशन? सिर्फ बाइनरी। कौन सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को एक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट और दूसरा क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। अब ये तो हम जान लेंगे मिक्सचर पढ़ना है। मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर मीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट सॉल्ट होता है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। अब उसमें भी हमको उसी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स रहे। जिस सॉल्यूशन में किसका अमाउंट फिक्स रहे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? फिक्स का मतलब क्या? निश्चित रहे। 500 ग्राम पानी मिला है और 100 ग्राम उसमें चीनी मिला दिए, तो ये अमाउंट तो फिक्स है ना। अगर अमाउंट फिक्स नहीं रहे तो क्या आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर नंबर दिया रहे पार्टिकल का तो वो भी अमाउंट है, या मास दिया रहे ग्राम में वो भी अमाउंट है। तो हमको तो सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, बोले तो क्या एक सॉल्यूट तो दूसरा सॉल्वेंट, और उसमें भी उसी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहे? फिक्स रहे। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्ट और सॉल्वेंट का अमाउंट निश्चित होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, हम उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहे? फिक्स रहे, हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स रहे, हम उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग फिजिक्स में यूनिट और डायमेंशन पढ़े होंगे 11th में, पढ़े ना? तो यूनिट और डायमेंशन में यूनिट के बारे में जाने होंगे कि यूनिट जो है वो किसी भी चीज को मेजर करता है, मापता है। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 नंबर है, अगर ग्राम लगा दिया तो ये किसको बता रहा है? ये मास को बता रहा है। अगर यहाँ पे मीटर लगा दिया जाए तो ये किसको बता रहा है? ये दूरी को, डिस्टेंस को, लेंथ को बता रहा है। अगर मीटर पर सेकेंड तो ये किसको बता रहा है? स्पीड को, वेलोसिटी को बता रहा है। तो इसी तरह से ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना, हम जस्ट लाइक समझेंगे कंसंट्रेशन को यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। क्या समझेंगे? यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब समझ लिया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहे? फिक्स रहे, हम उसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जस्ट लाइक एक यूनिट है, इकाई है, और एक ऐसा यूनिट है कि अगर आपको कंसंट्रेशन दे देना तो आप ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। सॉल्यूशन बनता किससे? किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे देना तो आप ये बता देंगे कि इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। जस्ट लाइक कंसंट्रेशन एक यूनिट है, और ये दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल यूनिट ऑफ, पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक होता है फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। फिजिकल यूनिट ऑफ क्या? कंसंट्रेशन। अब इसके अंदर क्या सब पढ़ना है हमको? इसके अंदर बहुत कुछ जानना है। सबसे पहले जानना है हमको ग्राम पर लीटर के बारे में, किसके बारे में? उतना यूजफुल नहीं है। दूसरा नंबर जानना परसेंटेज टर्म के बारे में, किसके बारे में? इसमें क्या सब जानना है तुमको? पढ़ना है इसमें चार चीज पढ़ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम,
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय क्या वेट, इसके बारे में जानना चाहिए जानेंगे हम। उसके बाद तीसरा नंबर जानना है इसमें हमको पीपीएम के बारे में, जिसका पूरा नाम है पार्ट पर मिलियन। मिलियन मतलब क्या, 10^6 ये होता है ना 1,000,000। और उसके बाद हमें जानना है पीपीबी, जिसका नाम है पूरा पार्ट पर बिलियन। बिलियन मतलब 10^9। ये हो गया फिजिकल टर्म कंसंट्रेशन। उसके बाद केमिकल में आपको क्या समझाना है, दूसरा नंबर ये फिजिकल टर्म कंसंट्रेशन है, इस सबको पढ़ेंगे और इस सब का एप्लीकेशन होगा दूसरा नंबर केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। केमिकल यूनिट ऑफ क्या, कंसंट्रेशन में यूज होगा। जिसमें पहला नंबर हमको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट मोल फ्रैक्शन, क्या पढ़ना, जिसको हिंदी में मोल भिन्नांक बोलते हैं। दूसरा नंबर पढ़ना है मोलालिटी के बारे में, किसके बारे में, मोलालिटी। तीसरा नंबर पढ़ना है मोलालिटी के बारे में, मोलालिटी। और चौथा नंबर क्या पढ़ना है, नॉर्मैलिटी के बारे में पढ़ना। और फिर पांचवा नंबर क्या पढ़ना है, फॉर्मैलिटी। इतना चीज डिस्कस करेंगे हम, बारी बारी डिस्कस करेंगे, बहुत सारा नॉलेज का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले फिजिकल टर्म कंसंट्रेशन में हम जानते हैं ग्राम पर लीटर, इसके नाम से ही क्लियर है ग्राम पर लीटर। पर वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, एक के लिए ना, किसके लिए, एक के लिए। देखिए कंसंट्रेशन टर्म जो फिजिकल टर्म कंसंट्रेशन है, इस सब में सॉल्यूशन का अमाउंट जो है निश्चित रहता है, परसेंटेज में निश्चित होगा, पीपीएम में निश्चित होगा, पीपीबी में सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स रहेगा। अभी आपको बता रहे कि कंसंट्रेशन क्या एक ऐसा ही यूनिट है जो आपको ये बता देगा कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। तो इस चारों में जो है सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स रहेगा, किसका अमाउंट फिक्स रहेगा। जैसे पहला नंबर आप जाने ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, इसमें देखिए क्या, तो ये जो नीचे वाला रहेगा ना ये सॉल्यूशन का अमाउंट, ये किसका अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट। और ये वाला ऊपर वाला जो हमेशा भट्टी के नीचे में किसका अमाउंट, सॉल्यूशन, ऊपर वाला किसका अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट, किसका अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट। तो यहाँ पे ग्राम पर लीटर है, तो यहाँ पे ये क्लियर है पर लीटर, लीटर तो वॉल्यूम ना हुआ, लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो यहाँ पे ग्राम पर लीटर यही आइडेंटिफाई करेगा कि सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में रहेगा, सॉल्यूट का अमाउंट किस में रहेगा, ग्राम में। और पर लीटर मतलब प्रत्येक लीटर में रहेगा, और प्रत्येक लीटर क्या, तो सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में, जितना सॉल्यूट